हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो फाइनली मैं आज आप लोगों को 163 डेज के बाद में सोनीपत स्पर की प्रोग्रेस दिखाने वाला हूं आप लोगों को। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। तो 29.6 किलोमीटर लंबे सोनीपत स्पर की स्टार्टिंग होती है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के पास UER2 के चैनेज 7.750 से, और एंडिंग होती है बड़वासनी के पास में। तो ये है पूरा रूट सोनीपत स्पर का। तो ये प्रोजेक्ट है NHAI का, जिसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है राम कुमार कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड को। तो सोनीपत स्पर है UER2 का पैकेज 4, जिसको नाम दिया गया है NH 344P। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट सोनीपत स्पर का। तो यहाँ पे राइट साइड में जो रैंप बनाया जा रहा है स्पर के ऊपर जाने वाले ट्रैफिक के लिए, उसका काम काफी हद तक कंप्लीट हो गया। लास्ट टाइम की प्रोग्रेस इसकी ये थी, और आगे की साइड में थोड़ा सा एलिवेटेड सेक्शन रेडी हो गया था, लेकिन इससे आगे की साइड में पियर्स बन के रेडी नहीं हुए थे। लेकिन इस बार देख सकते हो आगे की साइड तक एलिवेटेड सेक्शन रेडी हो चुका है, जो लास्ट टाइम नहीं हुआ था। तो अभी यहाँ तक ही पियर्स को कनेक्ट किया गया है, यहाँ से आगे की साइड में अभी पियर्स को रेडी किया जाएगा, और इस पर के ऊपर से जो ट्रैफिक आएगा जो गुड़गांव की तरफ जाएगा, उसके लिए यहाँ पे अंडरपास बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे अंडरपास को कवर करने के लिए शेड का स्ट्रक्चर रेडी किया जा रहा है। और आगे की साइड में एलिवेटेड सेक्शन रेडी हो गया है। और इस साइड का जो रैंप है उसका काम अभी पेंडिंग है, लास्ट टाइम की प्रोग्रेस इसकी ये थी। तो लास्ट टाइम के कंपैरिजन में रैंप का काम तो अच्छा खासा हुआ है, और इस साइड में स्ट्रक्चर रेडी हो गया शेड का। तो यहाँ से आगे की साइड में ये इस पर भवाना इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर से निकल के जाएगा। तो इंडस्ट्रियल एरिया में सोनीपत स्पर की लेंथ है 3.2 किलोमीटर की। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इंडस्ट्रियल एरिया के स्टार्टिंग में अभी रोड की कंडीशन खराब है। और आगे की साइड में आने के बाद में ये देख सकते हो यहाँ पे पेवर मशीन खड़ी हुई है। तो इंडस्ट्रियल एरिया में पेवमेंट का काम किया जा रहा है। और अब ये आ जाती है सेक्टर 1 की रोड। तो इस रोड को क्रॉस करने के बाद में स्टार्ट होता है ग्रीनफील्ड एरिया। तो लास्ट टाइम यहाँ पे कैंप साइट थी,
जिसको अब हटा के ड्रेनेज सिस्टम का काम तो हो गया दोनों तरफ, तो यहाँ पे अभी अर्थवर्क का और आरई पैनल्स को लगाने का काम कंप्लीट किया जाएगा। लास्ट टाइम की अपडेट ये थी। और आगे की साइड में आने के बाद में ये आ जाती है बवाना रोड। तो बवाना रोड के ऊपर यहाँ पे पियर्स को कनेक्ट कर दिया गया है, जो लास्ट टाइम ही कर दिया गया था। और दूसरी साइड की जो अप्रोच रोड होगी उसका काम अभी पेंडिंग है। लास्ट टाइम की प्रोग्रेस ये थी। तो लास्ट टाइम के कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं हुआ है। और यहाँ पे बैचिंग प्लांट को क्रॉस करने के बाद में देख सकते हो रिजिड पेवमेंट का काम हो गया है, जो लास्ट टाइम ही काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया था। तो ये इस पर रिजिड पेवमेंट का बनाया जा रहा है, मतलब कंक्रीट का। तो ये 4 लेन का स्पर है, तो इसके दोनों साइड में देख सकते हो इस बार मेटल बीम क्रैश बैरियर्स को लगा दिया गया है। और लास्ट टाइम इस कर्व से आगे की प्रोग्रेस ये थी। तो इस बार देख सकते हो यहां पे काम कंप्लीट हो गया। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। और अब आगे की साइड में आने के बाद में ये आ जाता है पहला वीओपी। तो इसके दोनों तरफ काम कंप्लीट हो गया है। इसके ऊपर अभी फाइनल लेयर का काम किया जाएगा। लास्ट टाइम की प्रोग्रेस ये थी। चलो बढ़ते हैं आगे की साइड में। तो आगे की साइड में छोटे छोटे पैचेस रह गए हैं जहां पे अभी मेटल बीम क्रैश बैरियर्स को लगाया जाएगा। और सामने की साइड में आ गया दूसरा वीओपी। तो इस वीओपी के ऊपर और दोनों साइड में अभी काम पेंडिंग है थोड़ा सा। लास्ट टाइम की प्रोग्रेस ये थी। चलो बढ़ते हैं आगे की साइड में। अब थोड़े से ही डिस्टेंस पे रह गया है टोल प्लाजा। और इस स्पर का 8.3 किलोमीटर का एरिया आता है दिल्ली में और 21.3 किलोमीटर का एरिया आता है हरियाणा में। तो सामने की साइड में है टोल प्लाजा। तो टोल प्लाजा से पहले अभी राइट साइड में कंक्रीट वर्क होना है। तो लास्ट टाइम की प्रोग्रेस इस एरिए की ये थी। तो देख सकते हो लास्ट टाइम के कंपैरिजन में तो यहां पे अच्छा खासा काम हो गया। तो ये टोल प्लाजा आता है चैनेज 9.5 किलोमीटर पे। तो मतलब अब हम हरियाणा में एंटर कर चुके हैं। तो टोल प्लाजा का यहां पे अभी स्ट्रक्चर रेडी करने का काम चल रहा है।
चलो बढ़ते हैं आगे की साइड में और देखते हैं कहां तक कंक्रीट वर्क हो गया। अब आगे की साइड में आने के बाद में बनाया गया है ये लाइट व्यू पी, तो इसके दोनों तरफ काम कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर अभी कंक्रीट वर्क पेंडिंग है। अब आगे की साइड में इस तरफ देख सकते हो मेटल बीम क्रैश बैरियर्स को लगाया जाएगा। तो आगे की साइड में आने के बाद में यहां तक कंक्रीट वर्क हो गया, तो ये है चैनेज 12। तो ये एरिया है नाहरा गांव के पास का, तो यहां तक हो चुका है कंक्रीट वर्क और इस गांव के लिए 2 VOP बनाए गए हैं। तो पहला VOP है ये, तो इससे पहले अप्रोच रोड का काम अभी किया जाएगा। लास्ट टाइम की अपडेट ये थी, तो देख सकते हो लास्ट टाइम के कंपैरिजन में यहाँ पे काम तो किया गया है लेकिन अभी ज़्यादा काम नहीं हुआ है। और दूसरी साइड की अप्रोच रोड का काम तो काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग है, लास्ट टाइम की इसकी अपडेट ये थी। और ये एक छोटा सा पैच है जहां पे कंक्रीट वर्क हो गया लेकिन ये फाइनल लेयर नहीं है। तो ये है दूसरा VOP, तो इसके इस साइड की जो अप्रोच रोड है उसका काम लास्ट टाइम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हुआ है। लेकिन दूसरी साइड की जो अप्रोच रोड है उसका काम अभी पेंडिंग है। अब आगे की साइड में ये अप्रोक्स 750 मीटर लंबा एरिया है जहां पे कंक्रीट वर्क हो गया। तो यहां तक हो गया कंक्रीट वर्क। और यहां पे इस कैनाल के ऊपर पियर्स को कनेक्ट करके फ्लोरिंग का काम हो गया जो लास्ट टाइम नहीं हुआ था। और लास्ट टाइम कैनाल को क्रॉस करने के बाद में कंक्रीट वर्क नहीं हुआ था। और यहां पे आपको लेफ्ट साइड में सर्विस रोड भी मिलेगी। और ये आ जाता है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, तो यहां पे सोनीपत स्पर और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में कनेक्टिविटी होगी जिसका काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और नीचे की साइड में इस तरफ तो बॉक्स का काम कंप्लीट हो गया। अभी दूसरी वाली साइड में बॉक्स निर्माण का काम चल रहा है।
एक साइड की लेन को बंद करके। लास्ट टाइम की अपडेट ये थी, तो देख सकते हो लास्ट टाइम काम स्टार्ट नहीं हुआ था। और अब यहां से आगे की अपडेट मैं आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में दूंगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।